सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया हो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में गाइस आप लोग को मैं HDR हाई फेस स्मूथ करना सिखाऊंगा। दोस्तों देख सकते हो कैसा मेरा फेस स्मूथ हुआ गाइस, कितना हार्ड फेस स्मूथ हुआ है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप लोग को फेस स्मूथ करना सिखाऊंगा दोस्तों, एंड बैकग्राउंड एडिटिंग करना मैं सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग दोस्तों आप लोग को फ़ोटो कुछ और दिखाते होंगे एंड फ़ोटो एडिटिंग करके कुछ और दिखा देते होंगे, लेकिन आप लोग फ्रेंड्स जब फोटो एडिटिंग करते होंगे तो आप लोग में फ्रेंड्स ब्लैक ब्लैक लाइन आ जाता होगा, आप अपने फेस को स्मूथ करते होंगे। तो लेकिन जो मैं आप लोग को ट्रिक्स बताऊंगा दोस्तों, उसमें आप लोग को ज़रा सा भी ब्लैक ब्लैक लाइन नहीं आएगा, बिल्कुल HDR हाई क्वालिटी में आप लोग का फेस स्मूथ होगा दोस्तों। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज, एंड वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मेरा इंस्टा आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना। जैसा आप लोगों को फोटो दिख रहा है गाइस, बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप लोगों को इस तरह से फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो कि है दोस्तों ये मेरा नॉर्मल फोटो गाइस, जो कि बिल्कुल ख़राब भद्दा टाइप का लग रहा है। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना गाइस, फोटो को शेयर करके लेके चलना स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। एंड स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर ले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। टूल्स पे आके दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ट्विन इमेज का ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ट्विन इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ से ब्राइटनेस को 25 एंड कंट्रास्ट को 27 माइनस एंड सेचुरेशन को 25 प्लस एंड एवियंस को 14 प्लस, इतना आप लोगों को सेटिंग कर लेना होगा दोस्तों। उसके बाद गाइस आप लोगों को डन करके आप लोगों को फिर से टूल्स पर जाना है। टूल्स पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स को सिलेक्ट करना होगा। डिटेल्स को सिलेक्ट करके दोस्तों आप लोग को स्ट्रक्चर को कम रखना है 36 माइनस एंड शार्पनिंग को 12 प्लस। उसके बाद इतना डन करने के बाद दोस्तों आप लोग को ऊपर के साइड यहाँ पे जो शेयर वाला आइकन दोस्तों, इसे शेयर करके दोस्तों आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना है। यहाँ पे मैं ऐड टू लाइटरूम कर देता हूँ दोस्तों। जैसे मैं ऐड टू लाइटरूम करता हूँ, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों इम्पोर्ट हो रहा है लाइटरूम में। जो यहाँ पर दोस्तों हल्का सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो इम्पोर्ट वाला फ़ोटो आ गया। तो यहाँ पर लाइटरूम को मैं ओपन कर दिया हूँ एंड हल्का सा वेट कर लेते हैं, ये वाला हमारा फ़ोटो है जो कि आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को एक मैं प्रीसेट दूंगा दोस्तों, जो कि आप लोग को ओनली 1 सेकेंड में आप लोग का बैकग्राउंड एडिटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का प्रीसेट जो रहेगा दोस्तों कुछ इस टाइप का आप लोगों का प्रीसेट रहेगा, एंड इस प्रीसेट को कैसे डाउनलोड करना हो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो को लास्ट तक वॉच करना दोस्तों, तो ही आप लोग को एक प्रीसेट मिलेगा एंड बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप लोग को फोटो एडिटिंग करना भी सीख जाओगे। तो दोस्तों ये हमारा जो है कि नॉर्मल फोटो है एंड ये वाला मेरा प्रीसेट बनाया हूँ जो है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, प्रीसेट यूज करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइज। कॉपी सेटिंग पे क्लिक करके फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को डन कर देना होगा। डन करके यहाँ पे फिर से जो नॉर्मल फोटो एडिटिंग करना चाहते हो उस पर आ जाना होगा। एंड यहाँ पे आप लोग को 3 डॉट पे फिर से क्लिक करना है, एंड क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पेज सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही पेज सेटिंग पे क्लिक करोगे ओनली 1 सेकेंड में आप लोग का फोटो एडिटिंग होकर तैयार हो जाएगा। देख सकते हो फिर ओनली 1 क्लिक में हमारा फोटो जो है कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड वगैरह बन गया। अगर इसमें भी आप लोग कुछ रिटचिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे इफेक्ट्स वाले आइकन पे आऊँगा एंड इससे टेक्स्चर में और इनक्रीज रखूँगा दोस्तों, एंड क्लैरिटी को 13- रखूँगा। उसके बाद DH को भी मैं और इनक्रीज रखूँगा दोस्तों 42+। उसके बाद देखोगा इस फोटो बिफोर जो कि कितना खराब भद्दा टाइप का लग रहा था दोस्तों, एंड ये वाला आफ्टर फोटो है। उसके बाद देखो दोस्तों कितना बवाल लग रहा है हमारा फोटो बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, फोटो को सेव कर लेना है। एंड सेव करने के बाद दोस्तों इसे आप लोग HDR में कन्वर्ट कर लीजिएगा रिमनी एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे हल्का सा वेट कर लेते हैं जब तक आप लोग चैनल पे को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, जब तक फोटो सेव हो रहा है। तो मुझे इंस्टा भी फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड प्रीसेट कैसे डाउनलोड करोगे आप लोग वो आगे मैं बताता हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप लोग को भी पता होगा कि रेमनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड वगैरह देखना पड़ता है गाइज। तो यहाँ पे रेमनी एप्लीकेशन ओपन हो रहा है एंड मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है गाइज आज। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड रेमनी एप्लीकेशन में दोस्तों फ़ोटो को HDR में कन्वर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने रेमनी वगैरह फ़ोटो में चला दिया दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरा नेट गाइज बहुत ही ख़राब भद्दा टाइप का चल रहा था गाइज, मेरा नेट बहुत ही स्लो चल रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाया रेमनी एप्लीकेशन में। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, फोटो को शेयर करके लेके चलना ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे आप लोगों को मैं सिखाऊंगा HDR हाई क्वालिटी में फोटो स्मूथ करना। एंड प्रीसेट को भी बताऊँगा, प्रीसेट को कैसे डाउनलोड आप लोगों को करना है। यहाँ पर हमारा फोटो है जो कि गाइस शेयर हो गया है।
देख सकते हो कितना हाई क्वालिटी में हमारा फोटो हो गया दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा आइकन देखने को मिल जाएगा, लेकिन फेस स्मूथ करने का बेस्ट आइकन जो है दोस्तों, बेस्ट ब्रश जो है, जो ऑप्शन है वो मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा, जो कि नया से नया एडिटर भी कर सकता है दोस्तों, पुराना एडिटर भी कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना, स्मज का ए वाला ब्रश, सेकेंड वाला ब्रश आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना होगा। ये वाला ब्रश आप लोगों को सिलेक्ट करना दोस्तों, जो मैं सिलेक्ट किया हूँ ब्लू बॉक्स वाला। एंड सेटिंग को आप लोगों को मैं दिखाता हूँ दोस्तों, फ्लो को एक रखा हूँ, स्ट्रेंथ को भी एक रखा हूँ, जो नया एडिटर भी उसके लिए भी और भी आसान होगा दोस्तों। एंड HDR हाई क्वालिटी में आप लोगों को फेस स्मूथ होगा। इतना करने के बाद दोस्तों आप लोग जब फोटो को जूम करोगे दोस्तों, एंड अपने हिसाब से दोस्तों आप अपना साइज को इनक्रीज डिक्रीज करके यहाँ पे स्मूथ करोगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को फेस स्मूथ होने वाला है। तो देख सकते हो मैंने फेस स्मूथ करना स्टार्ट कर दिया दो गाइस। तो देख सकते हो फ्रेंड, जरा सा भी ब्लैक लाइन मेरे में नहीं आ रहा, देख सकते हो। आप लोग जब फेस स्मूथ करने जाओगे दोस्तों, तो आप लोग गलती क्या करते हो, आप फिंगर्स को उठा उठा कर करते हो तो आप लोग में ब्लैक लाइन आ जाता होगा। लेकिन आप लोग को जब फिंगर्स को जब फेस पे सटाना दोस्तों, फेस स्मूथ करने के लिए, तो वहाँ पर जल्दी आप लोग को फिर हटाना नहीं है दोस्तों फिंगर्स को। अगर हटा हटा के करोगे दोस्तों, आप लोग को ब्लैक लाइन आना ही आना है। तो लगभग देख सकते हो दोस्तों, मैं इतना फास्ट में बात करते करते आप लोग को देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से मैं फास्ट में भी फेस स्मूथ कर लिया, जरा सा भी ब्लैक लाइन नहीं आया मेरे फेस पे। तो इसे मैं पूरा कर लेता हूँ दोस्तों, एंड आगे बताता हूँ प्रीसेट को कैसे डाउनलोड करना है। हाँ, तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने लगभग फेस स्मूथ कर लिया दोस्तों पूरा फोटो को, कितना हार्ड लग रहा है मेरा फोटो गाइज। एंड नेक्स्ट बताता हूँ कि आप लोग को प्रीसेट कैसे डाउनलोड करना है। जैसा आप लोग को फोटो दिखाया था गाइज, बिल्कुल वैसा फोटो एडिटिंग करके आप लोग को मैं सिखा दिया हूँ। इस तरह से आप लोग फेस स्मूथ करोगे गाइज, तो आप लोग को हल्का सा ब्लैक लाइन नहीं आएगा। एंड आप लोग को मैं बताता हूँ कि आप लोग दोस्तों कैसे उस प्रीसेट को डाउनलोड करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, लाइटरूम को ओपन करता हूँ। लाइटरूम ओपन करने के बाद दोस्तों आपको मैं वो वाला प्रीसेट दिखा देता हूँ, जो कि मैं एक बार मैं आप लोगों को पहले दिखाया हूँ दोस्तों। उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पर प्रीसेट डाउनलोड का आइकन मिलेगा दोस्तों, प्रीसेट डाउनलोड का, उसके नीचे एक लिंक रहेगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करना दोस्तों, तो ये वाला प्रीसेट ओपन होगा। मतलब वहाँ पर ओपन होगा दोस्तों, रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर जब क्लिक करेगा दोस्तों तो मेरे में नोटिफिकेशन आएगा, मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूँगा। एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बाद फिर से उस लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग का प्रीसेट डाउनलोड हो जाएगा। ये वाला प्रीसेट जो है दोस्तों, ये वाला प्रीसेट डाउनलोड हो जाएगा आप लोग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।